हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपने बात करेंगे चाल एवं वेग के बारे में। पिछले लेक्चर में अपनों पढ़ा था दूरी और विस्थापन के बारे में। दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, उसका मात्रक देखा था। आज जो बात करेंगे चाल एवं वेग पे। आज अपने चाल को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो चाल के बारे, जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तित होता है तो वस्तु क्या होती है, गतिशील होती है। जैसे ये पेंसिल थी, अब मान लो कि ऐसे पड़ी है तो क्या ये वस्तु गति कर रही है, नहीं। तो ये क्या है, विरामावस्था में है। तो इसकी चाल कितनी होगी, जीरो। यहां पे चाहे एक दिन बाद देखो, 2 दिन बाद, कि अपने ये स्थान से हिलेगी, नहीं। जैसे अपने इस पर कोई बल लगाया या इसको धक्का दिया या आगे पीछे खींचा, तो समय के साथ क्या हो रही है, इसकी स्थिति परिवर्तन। मान लो 1 सेकंड में यहाँ थी, 1 सेकंड में, अगले 1 सेकंड में यहाँ, अगले 1 सेकंड में यहाँ, अगले 1 सेकंड में यहाँ। तो समय के साथ इसकी हर टाइम पे स्थिति क्या हो रही है, चेंज। तो अपने क्या कह सकते हैं, स्थिति चेंज हो रही है तो वस्तु क्या है, गतिशील है। वस्तु की गति धीमी है या अथवा तेज है, तो इसकी जानकारी वस्तु के वेग अथवा चाल से प्राप्त होती है। मतलब वस्तु कितनी तेज है, कितनी धीमी है, तो इसकी जानकारी अपने वस्तु के वेग एंड चाल से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं चाल की, जिसको अपने स्पीड बोलते हैं। वस्तु द्वारा एकांत समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, डेफिनेशन देखो। वस्तु द्वारा एकांक समय में तय दूरी क्या कहलाती है, चाल। एकांक समय मतलब 1 सेकंड बोल सकते हैं अपने, या पर सेकंड। 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल। एकांक समय का मतलब 1 सेकंड ही होता है, एकांक समय का मतलब 1 सेकंड। तो चाल क्या होती है, 1 सेकंड में तय की गई दूरी। तो अपने कह दिया, मान लो कोई वस्तु 1 सेकंड में 20 मीटर जाती है, 1 सेकंड में कितना जा रही है, तो 20 मीटर। तो इसकी चाल क्या होगी, तो देखो चाल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा, दूरी कितनी है 20, समय कितना है 1। तो अब अपने को दूरी का मात्रक कितना होता है मीटर, समय का कितना होता है सेकंड। तो 20 मीटर पर सेकंड, बात समझ आई। इसका मात्रक क्या है, एम के एस पद्धति, मीटर पर सेकंड। दूरी का मात्रक क्यों होता है, लंबाई को अपने किस में नापते हैं, एम के एस की बात करें, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम, समय को सेकंड में, ठीक है। चाल के बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। यदि वस्तु एकांक समय में, ध्यान से देखना इस चीज को जो मैं अपने बता जा रहा हूं, यदि वस्तु एकांक समय में तुलनात्मक रूप से अधिक व कम दूरी तय करती है, तो चाल भी क्या होगी, उसी अनुसार तेज व धीमी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई एक वस्तु है 1 सेकंड में 10 मीटर जा रही है, दूसरी कोई और वस्तु है वो 1 सेकंड में 20 मीटर जा रही है। तो इस पहले वाली वस्तु की चाल कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, दूसरी वाली कितनी हो जाएगी, 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो देखो यदि वस्तु एकांक समय में तुलनात्मक रूप से अधिक, अगर अधिक दूरी तय कर रही है तो उसकी स्पीड अधिक होगी, जो कम दूरी तय करी है उसकी स्पीड क्या होगी, क्योंकि टाइम दोनों का क्या है, सेम है। कोई वस्तु 1 सेकंड में 10 मीटर जा रही है, दूसरी वस्तु वही कोई और 1 सेकंड में 20 मीटर जा रही है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, तेज होगी, इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, ठीक है। वो उसकी दूरी पे डिपेंड करेगा। यदि वस्तु गति नहीं कर रही है, मैंने आपको बताया यदि वस्तु यहीं पड़ी है तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि दूरी इसने कोई तय ही नहीं की, ठीक है। तो चाल क्या होगी, शून्य होगी। नेक्स्ट, चाल का एम के एस पद्धति में मात्रक। एम चाल का पहले सूत्र लिखो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। तो दूरी क्या होती है, लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है एम के एस में, मीटर, समय का सेकंड, मीटर पर सेकंड, इंग्लिश में मीटर, एम बटा एस, ठीक है। एम का मतलब मीटर, एस का मतलब सेकंड। चाल का विमीय सूत्र, चाल का विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र लिखने के लिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इस फॉर्मूले को देखो, पहले मीटर और ये सेकंड नीचे है, ऊपर जाके क्या लिखोगे, सेकंड की पावर माइनस एक। और मात्रक लिखने के लिए अपने क्या करें, पहले बड़े ब्रैकेट में एम एल टी लिखे। अब देखो इसके अंदर एम का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, क्या इसके अंदर किलोग्राम आ रहा है, नहीं, तो जीरो। एल का मतलब मीटर से, मीटर की पावर कितनी है, वन। टी का मतलब सेकंड, सेकंड की पावर कितनी है, माइनस वन, ठीक है। चाल एक अदिश राशि जिसकी कोई दिशा नहीं होती, ठीक है। अब बात करते हैं चाल के प्रकार। पहला प्रकार, एक समान चाल। एक समान चाल क्या होती है, कोई वस्तु समान रूप से क्या करे, गति करे। जैसे मान लिया मेरे पास कोई कार है,
एक सेकंड में 10 किलोमीटर गई, 10 मीटर गई, अगले एक सेकंड में भी क्या हुई, 10 मीटर गई, उससे अगले एक सेकंड में भी 10 सेकंड गई, 10 मीटर गई। ठीक है, तो चाल देखो हर सेकंड कितनी डिस्टेंस दूरी तय कर रही है, 10 मीटर, मतलब सेम स्पीड से चल रही है, सेम गति से चल रही है, तो इसको क्या कहेंगे, एक समान चाल। देखो यदि कोई गति मान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, देखो पहले एक सेकंड क्या था, 1 सेकंड, अगले एक सेकंड में 10 मीटर, उससे अगले एक सेकंड, समय कितना है, सेम है, और डिस्टेंस भी क्या है, सेम है, तो इस प्रकार की जो गति होगी एक समान चाल कहलाती है। जैसे घड़ी की सुई की चाल, देखो घड़ी अपने सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ही तय करेगी। ठीक है, तो अब देखो एक चक्कर पूरा करते हैं तो 60 सेकंड लगते हैं, अगला एक चक्कर पूरा करी तब भी कितना टाइम लेगी, 60 सेकंड ही लेगी। तो मतलब जो घड़ी की सुइयां होती है, चाहे घंटे वाली बात कर लो, चाहे मिनट वाली बात कर लो, चाहे सेकंड वाली बात कर लो, वो क्या होती है, एक समान चाल से चलती है। ठीक है, यहां पे मैंने छोटा सा एक सवाल बताया हुआ, देखो कोई एक वस्तु थी, पहले क्या थी, यहां विरामावस्था में थी, मतलब अपनी जगह थी, तो टाइम कितना था, 0। जैसे चलना स्टार्ट किया, मान लो 2 सेकंड में यहां पहुंची, इसने 20 मीटर दूरी तय करी, और बी पॉइंट भी आगे कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, फिर बी से सी गई कितने टाइम में, टाइम हो गया 4 सेकंड, कितनी डिस्टेंस दूरी तय की, 20 मीटर, मतलब बी और सी के बीच का टाइम कितना है, 2 सेकंड, क्यों यहां पे 2 है तो 4 माइनस 2 कितना रह गया, 2 सेकंड, यहां पे भी कितना है, 2 सेकंड, तो चाल ए बी, ए और बी के बीच में चाल कितनी होगी, दूरी कितनी है, 20, समय कितना है, 2 सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। अब बी और सी के बीच में चाल देखें, 20 बटा 2, 10 मीटर पर सेकंड, मतलब हर टाइम उसकी जो स्पीड है वो क्या है, सेम है, तो ये क्या होगी, एक समान चाल। ठीक है, अब परिवर्ती चाल, परिवर्ती चाल क्या होती है, हर सेकंड उसकी क्या हो, चाल हो, मतलब कहीं चाल उसकी तेज हो जाती है, कहीं चाल उसकी कम हो जाती है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है, मान लिया कोई वस्तु ए थी, पहले 1 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय, अगले 1 सेकंड में वो 20 मीटर दूरी तय करती है, मतलब जैसे स्पीड बढ़ गई उसकी तो ज्यादा डिस्टेंस। ठीक है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो इस प्रकार की चाल परिवर्ती चाल का, जैसे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में वाहनों की, जैसे भीड़ हटी अपने बाइक को क्या कर एकदम तेजी से लेके जाते हैं, वहां स्पीड क्या होती है, ज्यादा हो जाए, और जैसे ही वहां पे भीड़ हुई तो अपने क्या करते हैं, स्पीड को कम कर लेते हैं, चाल को कम कर लेते हैं। ठीक है, तो वाहनों की जो गति होगी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में परिवर्ती चाल की गति कहलाएगी। ठीक है, औसत चाल, औसत चाल क्या होती है, एवरेज चाल, यदि गतिमान वस्तु द्वारा कुल तय की गई दूरी और कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, मान लिया मेरे पास कोई एक वस्तु थी, 1 सेकंड में 10 मीटर गई, ठीक है, फिर यहां पहुंच गई पी पे, बी के बाद वो लगातार 3 सेकंड चली, 3 सेकंड के बाद सी पॉइंट पे पहुंची और 40 मीटर की दूरी तय की, तो ये कह रहा है एवरेज चाल बताओ, औसत चाल बताओ। तो अपने क्या करेंगे, औसत चाल निकालेंगे, जितनी दूरी तय की वो दूरी नोट करेंगे, 10 मीटर ये रही, 40 मीटर ये रही, कितनी दूरी है, 50 मीटर, यहां पे 4 सेकंड करो, ठीक है, और टाइम नोट करो, यहां पे 1 सेकंड है, यहां पे 4, टोटल सेकंड कितने हो गए, 5 सेकंड, कुल दूरी कितनी है, 50, कुल समय कितना है, 5, तो स्पीड कितनी होगी, 10 मीटर प्रति सेकंड, मतलब जो औसत चाल है ये कितनी आई है, 1 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय कर रहा है, औसत चाल। ठीक है, इस प्रकार अपने औसत चाल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है तात्क्षणिक चाल, थोड़ा सा ये टिपिकल है, पर वैसे मैं मानता नहीं हूं टिपिकल है, क्योंकि यहां आपको इस फॉर्मूले में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये अपने पढ़ा नहीं हुआ एक बार। तात्क्षणिक चाल क्या होती है, देखो नाम से पता चले तात्क्षणिक, किसी क्षण चाल, किसी निश्चित समय या क्षण की पर गतिमान वस्तु की चाल को क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल। जैसे अपने यहां खड़े हैं, ठीक है, यहां पे एक सड़क है, ठीक है, कोई कार स्पीड से यहां जा रही है, अपनों ने देखा किसी क्षण, मतलब किसी क्षण मतलब ऐसे मान के, तो ना तो टाइम 0 होगा ना वो 1 होगा, मतलब बिल्कुल वो जो टाइम होगा वो डेल्टा टी 0 की ओर अग्रसर होगा, लिमिट बोलते हैं जिसको, डेल्टा टी टैंक्स टू 0, 0 की ओर क्या होगा, अगर मतलब यहां पे जो टाइम होगा किसी क्षण पलक झपकते ही, जिसको अपने बोल सकते हैं पलक झपकते ही यहां पे अपने गाड़ी की स्पीड को नोट करें तो वो स्पीड क्या होगी, तात्क्षणिक चाल। उसमें जो टाइम होगा लिमिट डेल्टा टी टैंक्स टू
जीरो की ओर अग्रसर होगा। तो यहां पे तथाक्षणिक चाल को तो डेल्टा एस का मतलब होता है दूरी, डेल्टा टी का मतलब होता है टाइम। अगर यहां से अपने को लिमिट हटा दें, किसको हटा दें, लिमिट को हटा के लिए, तो इसको अवकलन के रूप में लिख सकते हैं। अवकलन के बारे में भी पढ़ेंगे अपने फिजिक्स में भी और आपकी मैथमेटिक्स। तो डी अपॉन डी टी क्या होता है, अवकलन होता है। तो डी एस अपॉन में डी टी के रूप में अपने इसको लिख सकते हैं। तथाक्षणिक चाल याद रखना, जहां भी अपने कभी भी लिमिट को हटाएंगे, लिमिट को हटाएंगे तो अवकलन के रूप में लिखेंगे, तो अवकलन के रूप में लिखेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई। चाल के बारे में अपने डिटेल से पढ़िए। चाल चार प्रकार की होती है, एकसमान, परिवर्ती, औसत, तात्क्षणिक। सेम ऐसे ही अपने वेग के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।